everyone welcome to my channel I am Simran Sahani and today I'll teach you class 9th English chapter if I were you this chapter is in a format of a play and it is written by Douglas James this is a very interesting chapter and in this play we are basically having two main characters one is Gerard and the other one is intruder okay so this is a very interesting play if you want to study all the class 9th English syllabus so you can check out the description box playlist of class 9th English syllabus is given so that you can study the full syllabus. From my channel, and today I'll teach you in detail this play if I were yeah. So, this play came mainly two characters. एक है जराट जो एक कॉटेज में अकेला रहता है एक छोटे से कॉटेज में अकेला रहता है एंड दूसरा है इंट्रूडर नाउ इंट्रूडर का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो इंट्रूडर वो होते हैं जो कभी किसी बिल्डिंग में या किसी के घर में बिना परमिशन के किसी क्रिमिनल इंटेंशन से घुसे ना उन्हें हम कहते हैं इंट्रूडर की आप समझो कि, कि किसी के घर में कोई एंटर कर गया है विदाउट एनी परमिशन क्रिमिनल इंटेंशन से कि कुछ क्राइम करने के लिए अगर कोई किसी प्रॉपर्टी में एंटर करता है तो उसे इंट्रूडर रेफर करा जाता है तो जराट अपने घर पर है अपने कॉटेज में है एंड उसके घर पर

डेंटिटी लेके जो है सर्वाइव कर सके समझ रहे हो कि इसका दिमाग में प्लान है कि एक्चुअली इसने मर्डर कर रखा है और ये पुलिस से भाग रहा है तो इसलिए ये सोचता है कि मैं जराट को मार दूंगा और जराट की आइडेंटिटी के साथ जो है आराम से रहना शुरू कर दूंगा तो इसलिए ये जो है जराड के घर में आया है उसको मारने के लिए तो अब हम पढ़ेंगे दैट वॉट हैपन्स दैट एक्चुअली में ये जराट की आइडेंटिटी ले पाता है या नहीं ले पाता है या फिर जराट जो है एक बहुत ही समझदार इंसान है या जराड अपनी बातों में फंसा के इसको जो है पुलिस को दे देता है तो यही हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को तो देखो ये चैप्टर एक प्ले फॉर्मेट में है ठीक है तो प्ले में ना सेटिंग्स होती है जैसे ये थिएटर्स में परफॉर्म करे जाते हैं तो एक पर्दा होता है पर्दे के पीछे पूरा सेट लगा होता है एंड पर्दा उठता है एंड पूरा सीन क्रिएट होता है तो वैसे ही अब पहले हमें इस प्ले का सीन बता रखा है यानी कि कैसी सेटिंग है तो अगर आपको भी इस प्ले को रिक्रिएट करना हो तो जो है कैसी सेटिंग होनी चाहिए तो सबसे पहले जरूरत है एक स्मॉल कॉटेज टाइप के इंटीरियर यानी कि एक स्मॉल से कॉटेज या घर जैसे का इंटीरियर आपको बनाना पड़ेगा देयर इज अ एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन तो एक ये बात बता रखी है एक कॉटेज का सा सीन है और पीछे एक एंट्रेंस है जो दिखाई नहीं दे रही है और शायद वो कटेन्ड हो सकती है ठीक है अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर और एक लेफ्ट साइड में डोर होना चाहिए जो प्रैक्टिकल डोर होगा प्रैक्टिकल डोर मतलब कि जो यूजुअली एंट्री और एग्जिट आने जाने के लिए यूज़ करा जा रहा होगा ठीक है द फर्नीचर इज सिंपल बहुत सिंपल सा फर्नीचर है जैसे ये दीवान देख सकते हो तुम पढ़ा एक छोटा सा टेबल पड़ा है अगर विजिबल हो तो यहाँ साइड में एक छोटा सा टेबल है जिस पर टेलीफोन है तो बहुत ही सिंपल सा फर्नीचर है इसका ठीक है द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल टू द लेफ्ट देखो लेफ्ट में पड़ा है ओके okay, नेक्स्ट क्या है अ चेयर और टू एक चेयर या दो चेयर एंड अ दीवान ऑन द राइट ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन और एक दीवान होगा राइट right साइड में और जो है टेलीफोन पड़ा होगा टेबल के ऊपर अब ये दीवान जो है दीवान क्या होता है सिंगल बेड जो होता है ना हम अपने घर में लगा देते हैं ड्रॉइंग रूम में लगा देते हैं दीवान हो गया सिंगल बेड ओके एक दीवान भी है तो यहाँ है हमारा जराट और इंट्रूडर आएगा इसके घर में फिर इनके बीच में बहुत सारी कॉन्वर्जेशन होगी वो हम पढ़ेंगे हैंडफुल चैप्टर को समझ लेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर तो देखो आप यहाँ जैसे ही चैप्टर शुरू होता है यहाँ कुछ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है तो ब्लैक में लिखा हुआ है तो वो हमें जो है प्ले के बारे में बताया जा रहा है ठीक है तो जैसे ही कर्टेन राइज होता है कर्टेन राइज होता है ना प्ले होते है थिएटर्स में तो कर्टेन खुलता है ठीक है तो जैसे ही कर्टेन खुलता है जेराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल जेराड जो है टेबल के पास में खड़ा होकर फोन पे बात कर रहा है जराट कैसे उसकी अपियरेंस बता रखी है ही इज मीडियम हाइट मीडियम हाइट का है वेयरिंग हॉर्न ड्रिम्ड ग्लासेज चश्मा लगा रखा है हॉर्न रिम ही इज़ ड्रेस इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट ठीक है एंड हिज वॉइस इज़ कल्चर कल्चर्ड मतलब यहाँ से आप समझो कल्चर मतलब कि अच्छी वॉइस है उसकी फॉर्मल टोन है उसकी यानी कि एक अच्छा वेल well मैनर्ड तरीके के उसकी बात करने का तरीका है आप इंसान की बात करने के तरीके से भी पहचान सकते हो ना कि ये वेल well मैनर्ड है या नहीं है तो एक वेल मैनर्ड इंसान जो है वो है हमारा जिरात ठीक है तो अब जेराट फोन पे बात कर करें तो पहले देखते हैं फोन पे क्या बात कर रहा है हमारा जराट तो जराट बोलता है वेल टेल हिम टू फोन अब डायरेक्टली आई मस्ट नो तो जराट जिससे फोन पे बात कर रहा है उसे कह रहा है उसे बोल रहे मुझे डायरेक्टली आकर बात करें आई मस्ट नो हाँ मुझे पता होना चाहिए डॉट 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 मतलब कि अब सामने वाला बोल रहा होगा अब हमें तो बस जराट की आवाज़ सुनाई देगी फोन पे भी तो कोई बोल रहा होगा तो डॉट 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 फिर जराट रिप्लाई करता है yes, यस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल भी हाँ शायद मैं हूँगा बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट इन अबाउट टेन मिनट राइट हो गुड okay, तो जेराज okay. फोन पे बात करके फोन रख देता है टेलीफोन होता है ना मोबाइल तो आप कहीं भी लेके चल जाओगे टेलीफोन वहीं पे रखना पड़ता है तो वो टेलीफोन का रिसीवर रख देता है एंड देन ही मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड दीवान की साइड पे वो जाता है जहां पे उसका ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है और वो स्टार्ट कर देता है अपने ट्रैवलिंग बैग को पैक करना जिस समय पर जेराड अपना ट्रैवलिंग बैग पैक कर रहा होता है उसी समय पर इंट्रूडर एंटर हो जाता है यहाँ पे गिवन है अ मैन सिमिलर इन बिल्ड टू द जनरल एंटर फ्रॉम द राइट साइलेंटली साइलेंटली एक आदमी जो है जो जेराट जैसा ही दिख रहा है सिमिलर उसके टाइप का लग रहा है मतलब कि उसके जैसा दिख रहा है वो एंटर करता है विद अ रिवॉल्वर एक गन के साथ अपने हाथ में ठीक है उसने एक ओवरकोट पहना और एक सॉफ्ट हार्ट पहनी है और पता है जैसे ही वो एंटर करता है तो वो एक्सीडेंटली बम्प कर जाता है टेबल से यानी कि जब आप चल के जा रहे हो कोई और एकदम से टक्कर नहीं लग जाती तो उसकी टक्कर लग जाती है टेबल से और जैसे ही टेबल से टक्कर लगने पे आवाज़ आती है तो जराड टर्न्स अब जब जराट टर्न करता है तो उसको वो फेस टू तो फेस हो जाता है इंट्रूडर से तो अब लेटेस्ट सी जराड उस इंसान को जानता नहीं है जो उसके घर में घुस गया है तो जराड कैसे रिएक्ट करता है कैसे पूरी सिचुएशन को हैंडल करता है जब उसके घर में उसके सामने रिवॉल्वर लेके एक इंट्रूडर आ गया है तो लेट अस सी जेराड क्या करता है अब पूरी कॉन्वर्जेशन चलेगी प्ले में बिटवीन जेराड एंड दिस इंट्रूडर तो लेट लेटर तो जैसे ही जेराड फेस टू फेस होता है के जेराड बोलता है प्लीजेंटली Why? This is a surprise, Mr. सरप्राइज uh मिस्टर -uh. तो जराज जो है guys देखो एकदम से बहुत pleasantly react करता है ये नहीं कहता अरे कैसे आगे मेरे घर के अंदर क्या है तुम्हें ये वो ऐसे react नहीं करता है गुस्से में बहुत pleasantly बोलता है क्योंकि उसको उसके घन हाथ में घन भी obviously दिखाई दे गई होगी तो बहुत pleasantly बोलता है वाह दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर नाम तो नहीं पता था ना तो इसलिए बोलता है मिस्टर uh -uh. तो इंटोडे बोलता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज़ टू सी मी आई डों थिंक यू विल बी प्लीज़ फुल लॉन्ग पुट दोज पॉजअप तो इंट्रोडे क्या है अभी तो तुम्हें मुझे देखिए बहुत अच्छा लग रहा है तुम मुझे इतने अच्छे से ग्रीट कर रहे हो

ट्राइंग टू बी काम एंड er. तो इंटूटर कहते हैं नहीं मुझे इतना ज़्यादा जो है एक्जैजरेट नहीं करना है मैं काम रहना चाह रहा हूँ एंड अर अर मतलब यहाँ पे ये है कि इंटूटर कुछ कहना चाहता है ये शो करने के लिए कि नहीं वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इतनी एक्टिंग नहीं करना चाह रहा है बट उसको कुछ वर्ड समझ नहीं आता तो वो अ uh, बोलता है अर तो यहाँ पर हमारा जराट बहुत ही ज़्यादा विटी है बहुत ही अच्छी कॉन्वर्जेशन क्रिएट करना चाह रहा है आप जस्ट इमेजिन करो कि आप मतलब जराट के घर में एक इंट्रूटर आ गया और अ गन पॉइंट बंदूक लेके गई उसके घर में आ गए बट वहीं पे भी उसकी सेंसेस चल रही है और वो बैक टू बैक जो है क्वेश्चन कर रहा है और आंसर्स कर रहा है उस इंट्रूटर को तो वो intruder को कहते हैं नॉन चैलेंट इज योर वर्ड तो जो अर बोला ना उसने कुछ वर्ड वो खा गया था तो कहते हैं नॉन चैलेंट बोलना चाह रहे हो कहते तुम नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक नॉन चैलेंट का मतलब होता है कि नॉट शोइंग इंटरेस्ट या फिर ज्यादा एक्साइटेड न होना तो वो कह रहा है अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें इतना एक्साइटेड नहीं होना है यू आर जस्ट बिंग नॉर्मल तो इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट थैंक यू तुमने मेरा वर्ड कंप्लीट कर दिया यू विल सून स्टॉप बिंग नॉट एन आल मेक यू क्रॉल आई टू नो आफ फ्यू थिंग्स तो यहाँ पर इंट्रूडर को थोड़ा सा गुस्सा आता होगा कि भैया मैं यहाँ गन पॉइंट में इस घर में एंटर कर गया हूँ और ये मुझे ही सिखा रहा है कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ तो वो कहता है ठीक है तुम अभी बहुत स्मार्ट बन रहे हो बट धीरे धीरे तुम क्रॉल करोगे क्रॉल मतलब होता है जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना अपने पैरों पर तो वो बेसिकली उसे कहना चाह रहे कि थोड़ी देर में तुम मुझसे बैक करोगे कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ तो मुझसे जो है बहुत ज़्यादा बैक करने वाले हो आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स मुझे तुमसे कुछ बातें जाननी है तो जल्दी से मुझे बातें बताना शुरू करो ठीक है अब आगे देखते क्या होता है तो जिराट कहता है अच्छा तुम्हें मुझसे कुछ बातें जाननी है एनी थिंग यू लाइक जो तुम कहोगे वो मैं बता दूंगा आई नो ऑल द आंसर बट बिफोर बेन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन यू नो मे वी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट तो बेसिकली जराट कहता है दैट अच्छा तुम्हें मुझसे कुछ बातें जाननी है तो एक मिनट रुको मैं तुम्हें सब आंसर्स कर दूंगा बट मुझे मेरी पोजिशन ठीक है तो तुम कंफर्टेबल हो गए बट मैं नहीं हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जिराट अपने जो है कुछ बैग पैक कर रहा था उसी समय टूट रहा था तो ऐसा हो सकता है कि जरा कुछ पैक कर रहा हो उसकी जो पोजीशन हो बैग की वो ऐसी हो तो वो कहता है पहले मुझे पोजीशन चेंज करने दो फिर मैं आपको आंसर करूंगा तो यहाँ टूटो कहता है सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस तो बेसिकली टूटो कहता है दैट वहां जाके बैठ जाओ एक चेयर की तरफ इशारा करता है वहां जाके बैठ जाओ नो फनी बिजनेस नो फनी बिजनेस मतलब कि कोई भागने आने की, की कोशिश मत करना हमने देखा है ना मूवीज़ में ऐसे तो होता हो कहते भागने की कोशिश मत करना तो वो जो है इंट्रूडो कहता है नो फनी बिजनेस और खुद जो है इंट्रोडर जो है दीवान पे जाके बैठ जाता है नाउ देन विल हैव अइस इ टॉक अबाउट योर और जिराट को बोलता है अब हम कुछ बातें करेंगे तुम्हारे बारे में और यहाँ पे जिराट कहता है बहुत एक्साइटेड होके एट लास्ट अ सिंपथेटिक ऑडियंस वाओ आज मुझे पहली बार अपनी लाइफ में एक सिंपथेटिक ऑडियंस मिली है जिसे मेरे बारे में जानने का शौक है तो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि जेराट कैसे डील कर रहा है उस गन पॉइंट पर उसके सामने एक घर में उसके कोई घुस गया और वो उसको क्या कह रहा है अच्छा तुम्हें मेरे बारे में बातें जाननी है थैंक गॉड मुझे मेरी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जो मेरे बारे में जानना चाहता है अ असिम्पथेटिक ऑडियंस तो चलो मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ हाउ एज अ चाइल्ड आई वो स्टोलन बाई जिप्सीज एंड वाई एट एज ऑफ थर्टी आई फाइंड माई सेल्फ लोनली इन दिस तो कहते है, अच्छा मैं तुम्हें अपनी दुख कहानी बताता हूं कि कैसे मेरे को बचपन में ने कर लिया था और क्यों मैं थर्टी टू ईयर्स की एज में भी अकेला इस कॉटेज में रहता हूँ क्यों मेरे साथ कोई कंपेनियन नहीं आने की मेरी शादी नहीं हुई है क्यों मैं यहाँ पे अकेला रहता हूं तो बेसिकली जेराड जो है उसको ये कहता है कि अच्छा तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो मैं तुम्हें अपनी पूरी दुकारी कहानी बताता हूँ तो यहाँ पे इन कहता है कीप इट टू यूर सेल्फ भैया इतना सब नहीं जानना है मेरे को एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन जो मैं जाना चाहता हूँ बस वही आंसर करो यू लिव अलोन वेल डू यू तो वो से पूछता है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो रहते हो अकेले तो जैसे ही ये बोलता है इंट्रूडर तो जेराट कहते हैं आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑन इन्फेक्शन योर वॉइस इज अनफेमिलियर तो जेराट कहते हैं तुम मुझसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तुम्हारी टोन ना काफ़ी अलग सी हो गई थी इस समय पर अनफेमिलियर सी ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बता रहे हो कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ तो यहाँ पे इंट्रूडर जो एम्फोस करके कहता है थोड़ा सा गुस्से में स्ट्रेस करके कहता है डू यू लिव हेअर अलोन अकेले रहते हो तो इन जराट कहता है एन एफ आई डोंड डांसर नहीं बताऊंगा अगर मैं कि अकेले रहता हूँ या नहीं तो क्या कर दोगे तो इंट्रूडर लेटेस्ट से क्या रिप्लाई करता है क्या करेगा तो इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंसेस नॉट वॉन्ट टू गेट हर्ट तो जब जराट कहता है कि अगर मैं नहीं बताऊं कि मैं अकेले रहता है नहीं तो क्या करोगे तो जब इंट्रूडर कहता है कि तुम में इतनी अकल तो होगी कि तुम्हें पिटाई नहीं खानी तो बता दो तो आपसे बेसिकली इसका मतलब ये है यू गॉट एवन ऑफ सेंसेस नॉट टू वॉन्ट गेट हर्ट तो तुम इतने तो मुझे समझदार लगती हो कि तुम्हें जो है मार खाने का या पिटाई खाने का शौक नहीं है खुद को दर्द पर जाने का शौक नहीं है तो लेट्स ही जिराट क्या आंसर बताए तो जराट कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन दैन एंड मोर डिजायर टू डू सो वट डू यू थिंक मिस्टर अर तो यहाँ पे आप देखो जराट फिर से जो है एक विटी सा रिप्लाई करता है कहता है मेरे अकॉर्डिंग ये है कि एबिलिटी तो वो है कि जब आपको दर्द हो रहा हो तो भी आप उसे अवॉइड कर पाओ रैदर देन जस्ट डिजायरिंग कि मुझे दर्द हो ही ना तुम्हारे क्या विचार हैं इस बात पर मिस्टर अर तो यहाँ पे जराट को इंट्रूडर का नाम तो पता नहीं है तो बार बार ऐसे मिस्टर अर करता है मिस्टर अर मिस्टर अर जैसे कि इंट्रूडर उसे अपना नाम बताते तो इंट्रूडर कहते हैं नेवर माइंड माई नेम मेरे नाम की आप चिंता मत करो आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जराट वॉट योर क्रिश्चन नेम तो यहां पे इंट्रोटर कहता है मिस्टर जराट मेरे नाम की तुम चिंता मत करो मुझे तुम्हारा नाम ज्यादा पसंद है मुझे जल्दी से अपना क्रिस्टन नेम बताना व्हाट इज़ नेम गाइस यू नो हम लोगों के जो है आ, कई बच्चों के दो दो नाम होते हैं तो स्कूल का नाम अलग होता है घर का नाम अलग होता है ऐसा हो जाता है कि आपका एक जो ऑफिशियल नेम होता है बट साथ के साथ आपका कोई एक पेट नेम जो आपके फ्रेंड्स है फैमिली आपको रेफर करते हैं वो आपका एक नाम बन जाता है तो इसलिए जो है ये इंट्रोटर पूछता है कि तुम्हारा क्रिश्चन नेम यानी कि तुम्हारा ऑफिशियल नेम क्या है तो जराट कहता है विंसन चार्ल्स तो ट का असली नाम क्रिश्चन नेम क्या है उसका विंसन चार्ल अब जो है इंट्रूडर के बैक टू बैक क्वेश्चंस कर ना ना वो कह रहे ना, में तुमसे क्वेश्चंस करूंगा तो इंट्रूडर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डू यू रन अ कार क्या तुम्हारे पास गाड़ी है तुम गाड़ी चलाते हो तो जिराट कहता है नो no, मैं गाड़ी नहीं चलाता हूं इंट्रूडर तो बोलता है दैट्स यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल तुम किसी बेवकूफ से डील नहीं कर रहे हो आई एम स्मार्ट एज़ यू एंड स्मार्ट मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट हूँ इनफैक्ट तुम्हारे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ एंड आई नो यू रन अ कार मुझे पता है तुम गाड़ी चलाते हो बेटर भी केयरफुल वाइस गाए इतना थोड़ा ध्यान से बात करो मेरे से वॉइस गए तो जराट यहाँ पे पता है क्या रिप्लाई करते हैं, अब जो है जराट का झूठ पकड़ा गया है कि उसने कहा उसे गाड़ी चलानी नहीं, नहीं आती तो जरात काउंटर अटैक करके जो है हमारे इंट्रूडर को बोलते हैं आर यू अमेरिकन तुम अमेरिकन हो और इज द मेरली इमिटेशन तो बेसिकली यहाँ पे जरात जो है जिस तरीके से जो है इंट्रूडर ने उसे ये वाला सेंटेंस बोला उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसकी एक्सेंट पे जो है कमेंट करने लगते हैं कि ये जो तुमने जो जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो तुम सच्चे में अमेरिकन हो या तुम अमेरिकन एक्सेंट को इमिटेट कर रहे हो अमेरिकन की तरफ बोलने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे जो है गन पॉइंट पे इंट्रूडर जो है जरात से बेसिकली थोड़ा सीरियसली डील करना चाह रहा है, बट जराट तो बिल्कुल ही उससे ऐसे गप्पे मारने में बैठा हुआ है तो इंट्रोडो कहता है लिसन दिस गन इज नो टॉय एंड आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट मै आंसर तो वो कह रहा है देखो ये गन जो है ना मेरे हाथ में कोई खिलौना नहीं है तो मैं तुम्हें बिना मारे भी हर्ट कर सकता हूँ जान से मारे बिना भी, भी हर्ट कर सकता हूँ सारे आंसर तुम्हारे से बाहर निकलवा सकता हूँ तो चुपचाप आंसर करते रहो तो कहता जरा ऑफकोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई बी ग्लैड टू असिस्ट यू आई डू अ कार एंड इट्स इन द ग्रज राउंड कॉर्नर तो जरा अच्छा ठीक है तुम तो अगर इस तरीके से पूछ रहे हो मेरे से तो हाँ मेरे पास गाड़ी है और वो गिराज है जुड़ा दैट्स बेटर हाँ ये सही है तो जैसे आप डायरेक्ट बिल्कुल आंसर कर देना जरा ठीक तो है, हाँ, है।, है।, पूछ पूछ है तो जरा वेरी रेयरली बहुत कम मेरे घर में लोग आते हैं सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रेवल टू विजिट मी सरप्राइजिंगली मेरे घर पर आने का बहुत कम लोग कष्ट करते हैं समझ लिया है कि ज्यादा लोग मेरे घर आने की कष्ट नहीं करते हैं देर इज अ बेकर द ग्रीन ग्रॉसर ऑफ कोर्स एंड देयर इज अ मिल्क मैन बेकर आता है ग्रीन ग्रॉसर यानी सब्जी वाला आता है और मिल्क मैन आता है जो क्वाइट चार्मिंग है बट नो वन एज इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ तो कहता है कि हाँ मेरे घर में बेकर आता है मिल्क मैन आता है दूध वाला आता है और कौन ना ग्रीन ग्रॉस सब्जियां बट हाँ उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना चार्मिंग नहीं है जैसे तुम हो होडल जो है जराट को बोलता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल मुझे पता चला है कि तुम ज्यादा ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलते हो ट्रेड्स पीपल मीनस बिजनेस मैन एंड ऑल दैट कि तुम ज्यादा बिजनेस वगैरह से डील नहीं करते हो तो, अब देखते हैं जराट उसे क्या रिप्लाई करता है तो जराट कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ अमाउंट ऑफ ट्रेवल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ यू हैव बीन सो मॉडेस्ट तो जेराड कहता है अच्छा तुमने मेरे बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए काफ़ी कष्ट करा यानी कि जैसे स्टार्टिंग में उसने बोला ना कि मेरे से मिलने कोई नहीं आता कोई कष्ट नहीं करता इतना कि मेरे से मिलने आए कोई इतना ट्रबल पेन नहीं लेता है कि मेरे घर मुझसे मिलने आए और जब जो है हमारा इंट्रूटर कहता है कि तुम ज़्यादा बिजनेस से नहीं मिलते हो तो जेराड समझ जाता है कि ये मेरे पर रिसर्च करके मेरे घर में एंटर करा है तो उसको कहता है कि तुमने तो मेरे पर बहुत रिसर्च करी है तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो तो प्लीज़ मेरे को भी अपने बारे में कुछ बताओ इतना नॉर्मल इतना मॉडेस्टली बिहेव मत करो मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ तो नाउ इंट्रूडर रिप्लाई करता है आई कुड टेल यू प्लेंटी मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ यू थिंक यू आर स्मार्ट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर तो लग रहा है इस समय कि तुम बहुत स्मार्ट हो जेराट, बट मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ मैं क्लास का टॉपर हूँ मतलब कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हूँ तुम्हें अभी लग रहा है तुम स्मार्ट हो नहीं मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ आई हैव गॉट ब्रेन एंड आई यूज़ दें मेरे पास बहुत दिमाग है और मैं उसको यूज़ करता हूँ और तभी मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ जैसे कहते ना मैंने ये कर लिया मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ दैट्स वाई हैव गॉट हेयर तो भाई जराट पूछता है अच्छा कहाँ तक पहुँचे हो तुम लेटेस्ट जेराट क्या रिप्लाई करते हैं एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट तो जराड वही जैसे हम कोई कहता है ना तुम्हें तो आने मैं वहाँ पहुँच गया हूँ तो आप कहते हो हाँ बताना मुझे कहाँ तक पहुँचा है तू तो जराट यही कहते हैं हाँ बताओ मुझे तुम कहाँ तक पहुँच गए हो इट डिजेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज तो जराड उसको अब जो है एक तरीके से ताना मार देता है कि वैसे तो वो बहुत कह रहा है कि मेरे पे बहुत दिमाग है मेरे टॉप क्लास दिमाग है मेरा मैं बहुत पहुँचा हुआ हूँ तो जराट कहते हैं कहाँ तक पहुँचे हो तुम मुझे बताओ मुझे तो नहीं लगता कि बहुत दिमाग की ज़रूरत होती होगी इस तरीके से किसी के घर में एंटर करने में अब देखते हैं इंट्रूडर क्या रिप्लाई करता है तो बेसिकली आप इंट्रूडर को उसने ताना मार दिया है कि वैसे इंट्रूडर बहुत अपनी बढ़ाइया कर रहा था मैं बहुत पहुँचा हुआ हूँ और वो क्या कह रहा है उसको जराट कि आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके से किसी के घर में घुसने के लिए आपको पहुँचे हुए दिमाग की ज़रूरत है वैन यू नो वाई हैव ब्रोकन इन टू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज एंड इट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज़ तो इंट्रूडर कहते हैं अगर तुम्हें पता चलेगा ना कि क्यों मैं तुम्हारे घर में इस तरीके से एंटर करा हूं तो वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा बट अच्छा सरप्राइज नहीं होगा तो जिराद कहता है विद यू फिगरिंग सो इन इट That is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace or वे वॉट पर्टिकुलर specialist? ऑफ क्राइम और हाँ मैं समझ सकता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा particular line of crime कौन सा है तो जेराट को समझ में तो आ ही गया है कि उसके सामने criminal बैठा है तो वो intruder से पूछता है तुम किस type की crime करते हो कौन से क्रिमिनल हो लेट see that intruder क्या बताता है कौन सा criminal है वो तो intruder बताता है माई स्पेशलिटी ज्वेलरी रॉबरी यानी कि ज्वेलरी चुराता है वो ये आ, सोना हीरा और चांदी ये सब चुराता है वो ज्वेल्स एंड जेम्स चुराता है योका विल जू मी अट्वी सीट इट्स सर्टेनली डांडी बस और जराट को बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी मेरे बहुत काम आएगी तो लेट्स से जराट क्या रिप्लाई करता है जराट कहता है आई एम अफ्रेड जूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्स ऑफ एजेट तो जराट कहता है यहाँ पे तुम एसेक्स में अगर तुम जूल्स जो है अगर तुम गहने चोरी करने आए हो तो यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास ज्वेलरी होगी नाउ इंट्रोडर कहता है सो आर द कॉप्स आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइफ तो इंट्रोडर कहता है हाँ गहने कम होंगे यहाँ बट यहाँ पे साथी के साथ कॉप्स यानी कि पुलिस वाले भी कम है तो इसलिए ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है और मैं है यहाँ पे रिटायर कर राइट रिप्लाई करता है यू मीन टू लिव विद मी तुम मेरे साथ रहने की बात कर रहे हो यहाँ पे जब इंट्रोटर कहते हैं ना मैं यहाँ पे रिटायर हूँ तो जराट कहता है तुम तो मेरे साथ रहने की बात कर रहे हो अ ट्रिफल साधन इज इंटेड ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है एस यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं करा तुम तो बस ऐसे ही मेरे घर में घुस करो मुझे कह रहे हो कि हाँ तुम तो मेरे साथ में रिटायर करोगे यहीं रहने वाले हो वॉट इज दिस तो इंट्रूडर रिप्लाई करता है यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई दिन इन्ट ट्रैवल टू आस्क तो अब इंट्रूडर भी जराट वाले टोन में रिप्लाई करता है कि तुम यहाँ ज्यादा देर रहने नहीं वाले हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आया हूँ तो जराट कहता है व्हाट डू यू मीन मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहने वाला हूँ इंट्रोडोस एज दिस इज योर बिग सरप्राइज आई एम गोइंग टू किल यू इंट्रोडो कहता है यही तो तुम्हारा सरप्राइज है तुम यहाँ ज्यादा देर इसलिए नहीं रहोगे क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हें मार दूंगा अल किल यू जराट कहते हैं लिटिल हार्शन तुम ज़्यादा हार्श नहीं हो गया ये मतलब कि तुम मुझे मार दोगे ऐसे कैसे तुम मेरे को मेरे मुँह पे कह रहे हो दैट यू विल किल मी तो इंट्रोड्यू कहता है विद हैवी सकाजम यानी कि सकास्ट टोन में बोलता है आई आई बी बी सॉरी टू 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 डू इट हैव टेकन अ फैंसी यू बट इट्स गॉट डन तो यहाँ पे सकाजम के साथ जो है इंट्रोड्यू कहता है येस yes, मुझे सॉरी फील होगा तो मैं मार के बट नहीं ये करना मेरे लिए बहुत जरूरी है हैट मदर टू योर अदर क्राइम्स इट्स अ ग्रेव स्टेप यूर ठीक तो इंतजार कहता है तुम भाई तुम तो एक छोटे मोटे ज्वेलरी चोर हो तो तुम अपनी जो है क्रिमिनल लिस्ट में मर्डर जैसा हैवी क्राइम क्यों डालना चाह रहे हो वाई डू यू वॉन्ट टू डू अ मर्डर मर्डर क्यों करना चाह रहे हो तुम भैया तुम छोटे मोटे चोर मर्डर तो तुम कह रहे हो तुम ज्वेलरी चुराते हो तो मर्डर इतना एग्जैजरेट क्राइम क्यों करना चाह रहे हो तुम तो हेयर इंट्रूडर्स इन फॉर्म आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन आई हैव बीन हंटेड फॉर लॉन्ग इनफ आई एम अ वॉन्टेड मर्डर ऑलरेडी एंड दे कान हैंग मी ट्वाइस तो यहाँ इंट्रूडर रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें मजे के लिए नहीं मर्डर करने आया हूँ यहाँ पे मतलब कि फन के लिए नहीं तुम्हें मारना चाहता हूँ आई एम ऑलरेडी हंटेड लॉन्ग इनफ यानी कि ऑलरेडी मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है मैं एक वॉन्टेड मर्डर हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारा यहाँ मर्डर करने आया हूँ अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगा तो जो है मेरे को कोई दो बार फांसी की सजा तो नहीं होगी ऑलरेडी मैं वॉन्टेड मर्डरर हूँ ऑलरेडी मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है तो अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे कोई दो बार फांसी नहीं लगेगी जो मेरी सज़ा है वो रहेगी तो यहां पे जिराग कहता है यू आर प्लानिंग अ डबल सो टू स्पीक एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट वॉट हैव यू टू गेन तो जिराट कहता है अच्छा ठीक है यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिशियस डबल ग्रटिशियस डबल मतलब हुआ ग्रेटिशियस मतलब होता है विदाउट एनी रीजन तो यहां पे जिराड से कहता है कि तुम विदाउट एनी रीजन जो है मेरा मर्डर करने के लिए रेडी हो गए हो आई नो यू हैव नथिंग टू लूज अच्छा मैं समझ गया कि अगर तुम तो मेरा मर्डर कर दोगे तो तुम्हें फांसी जो है दोबारा तो नहीं होने वाली है तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है बट वॉट हैव यू टू गेन तुम्हें मेरा मर्डर करके मिलेगा क्या तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है मुझे मारने का क्यों मारना चाहते हो मेरे को क्या मिलेगा तुम्हें मुझे मार के तो यहाँ इन बताता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन मुझे आज़ादी मिलेगी एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट वो कहता है मुझे आज़ादी मिलेगी मैं एक पुअर हंटेड रैट हूँ यानी कि मैं पुलिस से भाग रहा हूँ बहुत समय से एज विंसन चार्ल्स गिराज आई एम फ्री टू गो प्लेसेज एंड डू नथिंग आई कैन ईट वेल स्लीप वेल एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट

do uh किलर होता है ना वो बहुत समय डिले कर देता है अपने लिए एक सॉल्यूशन निकालने के लिए बट तुम तो अपना सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकालना चाह रहे हो तो लेट्स सी आगे इंट्रूडर क्या कहते हैं आई एम ओके आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग आई एम गोइंग टू विंसेंट चार्ल्स जेराट वो कहता है आई एम ओके मैं ठीक हूँ मेरे पास रीजन है विंसें चार्ल्स जेराट बनने का एंड आई हैव गॉट टू नो वट ही टॉक्स लाइक अब जो है इंट्रोडर जो है जेराट को कहता है मुझे विंसेंट चार्ल्स जेराट के बारे में सब कुछ पता है मुझे तो ये भी पता है कि जेराट बात कैसे करता है बिकॉज यू नो ना जैसे मैं जेराट फोन पर बात कर रहा था तभी विंसेंट के घर में

कहता है, मुझे सब पता है, तुम्हारे बारे में तुम फोन पे कैसे बात हो इतना स्टाइल में लुक एट मी और खड़े होकर कहता है तुम भी खड़े हो देखो मेरे को देखो मैं तुम्हारे जैसा लगता हूं बिल्कुल तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी में बहुत ईजिली रह सकता हूं तुम्हारी आइडेंटिटी में तो जिराग कहता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव नहीं तुम इतने सजावटी नहीं हो तो इंट्रूटर कहता है नो वेल दैट गोज फॉर यू टू आई हैव ओनली गॉट टू वेयर एंड रेस्पेक्ट बी बनफ लाइक यू टू गेट वे विद इट तो इंट्रूटर कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ मुझे बस एक चश्मे की जरूरत है और हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे तो जराट कहते हैं वॉट अबाउट योर क्लोथ दे लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल तो जराट कहते तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कपड़े तो मेरे जैसे नहीं है लोग तुम्हें पहचान जाएंगे अगर तुम मेरे जैसे कपड़े नहीं पहनोगे तो इंटूटर कहते हैं राइट योर्स विल फिट मी फाइन तो इंट्रूटर अब कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूंगा तुम्हारे कपड़े की फिटिंग मुझे आ जाएगी नाउ जराट जराट कहते हैं दट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलो ड्रामैटिक विलन्स इट वॉज नॉट अट्रीब्यूट टू योर इंटेलिजेंस यू वोट गेल मी फॉर अ गुड रीजन तो यहाँ पे गए जो है जराट अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इंट्यूटर को और उसको कहता है अच्छा ठीक है ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि तुम तो मेरे कपड़े रह के मेरी आइडेंटिटी में रह लोगे एंड मैंने अभी रिसेंटली तुम्हें बोला कि जैसे मूवीज़ में मेलो ड्रामाज या फिर प्लेज में दिखाते हैं कि विलन जो है अपने लिए सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते तुमने तो सॉल्यूशन निकाल लिया कि तुम मेरी लाइफ में जी लोगे मेरी आइडेंटिटी के साथ बट ये जो मैंने तुम्हें रिमार्क करा कर था तुम्हें ट्रिब्यूट देने के लिए नहीं करा कर था कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो तुमने एक प्लान बना लिया तो मेरी आइडेंटिटी में लोगे नो no, मैंने तुम्हें ये जो है ट्रिब्यूट uh, देने के लिए नहीं कहा था इन फैक्ट तुम मुझे नहीं मारोगे तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई गुड रीजन नहीं है तुम मुझे मार के तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है तो यहां पेटर कहता है, सो दैट्स वॉट यू थिंक अच्छा तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो चिराग कहता है यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू शूट इट सूनर तो जिराट अब कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे और थैंक गॉड तुमने अभी तक मुझे नहीं मारा हाँ मारे जो है जिराड अपनी बातों में बिल्कुल ही फंसा रहा है इंट्रूटर को तो इंट्रूटर अब कहता है कम ऑन वट्स ऑन योर माइंड बेटर बी क्विक दिस कॉन्वर्जेशन बोर्ड मी तो अब अब इंट्रूटर को भी इंटरेस्ट आने लग गया है जराट की बात में क्योंकि जराट क्यों कह रहा है कि तुम्हारे पास अच्छा रीज़न नहीं है मुझे मारने का या तुम्हें मुझे मारकर फायदा नहीं मिलेगा तो इंट्रूडर कहते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जल्दी मुझे बताओ मैं बोर हो रहा हूं तुम्हारी बातों से तो जेराड कहता है योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी जिराट कहता है तुम्हारा तो प्लान ये है कि तुम मुझे मारके मेरी आइडेंटिटी यानी कि विंसन चार्ल जिराट बन के रहने वाले हो तो इंट्रूडर कहता है येस आई लाइक दैट हाँ भाई मेरा प्लान यही है जरा कहते हैं बट यू आर श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू बट क्या तुम श्योर हो कि मेरे तरह जी के जो है तुम्हें कुछ फायदा मिलेगा इट विल हेल्प टोटल कहते हैं लिसन टू मी मैंने ना सब प्लानिंग कर रखी है कि मैं तुम्हें मारूंगा तुम्हारी आइडेंटिटी में जीऊंगा अर्लियर मैं एक जॉब करता था एक टाउन में वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने एक कॉप को मार दिया नहीं कि एक पुलिस वाले को मार दिया और उसके बाद से मैं सिर्फ भाग रहा हूँ डॉज मतलब होता है भागना मैं उसके बाद से भाग रहा हूँ तो अब मैं तुम्हारी आइडेंटिटी में रहना चाहता हूँ तो जराग कहते हैं दिस इज वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू अच्छा भाग भाग के तुम्हें मेरा ही घर मिला था आने के लिए दिस इज वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू तो हेयर इंड टूडर्स सेज इट ब्रॉट मी टू आइल्सबेरी दैट्स वेयर यू आर इन द कार्ड टू अदर पीपल सो यू एंड स्टार्टेड टू टॉक आई लिसन इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन तो यहाँ पे इन कहता है नहीं नहीं मैं भाग के तुम्हारे घर नहीं आया हूँ मैं भाग के पहुँचा था आइल्सबेरी में वहाँ पे मैंने तुम्हें गाड़ी में देखा और तुम्हें गाड़ी में देख के दो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और मैंने वो बातें सुनी तो मुझे पता चला कि तुम कोई मिस्ट्री मैन टाइप के हो तो आप समझे वेरी पहुँचा और वहाँ पर जराट एक गाड़ी में बैठा हुआ था तो जराठ को गाड़ी में बैठा हुआ देख के दो और लोग यानी कि कोई और दो इंसान थे वो जराठ के बारे में बातें करने लगते हैं तो जब जो है हमारा इंट्रूडर उन दो लोगों की बातें सुनता है तो उसे लगता है कि जराट कोई मिस्टीरियस टाइप का इंसान है तो जराब कहता है अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन तो जरा कहता है अच्छा तुम्हें लग रहा है मैं मिस्टीरियस मैन हूँ हाँ मेरे साथ भी एक मिस्ट्री है मिस्ट्री मतलब आप समझ गए समथिंग अन यूजल समथिंग स्ट्रेंज हाँ मेरे बारे में भी कुछ अलग सा है कुछ स्ट्रेंज है तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ इंट्रूडर कहता है यू फोन योर ऑर्डर समटाइम्स एंड यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम दोज आर जस्ट द थिंग आई वॉन्ट टू डू हेयरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लक्कीस्ट ब्रेक्स तो इंट्रूडर बताता है कि उसने क्या सुना था उन दो आदमियों से जिराट के बारे में तो वो कहता है मैंने सुना कि वो दो लड़के तुम्हारे बारे में कह रहे थे दैट तुम तो हर समय जो है फ़ोन पे अपने ऑर्डर्स लेते हो अपना घर कभी भी छोड़ के चले जाते हो और कभी भी वापस आ जाते हो और यही लाइफ तो मुझे जीनी है दैट वॉज द लकीस्ट थिंग आई वे व हर्ड जब मुझे पता चला कि तुम्हारी लाइफ इस टाइप की है कि तुम फोन पर ही कॉन्वर्जेस करते हो कभी भी चले जाते हो कभी भी आ जाते हो तो फिर मुझे लगा कि येस मैं तुम्हारी आइडेंटिटी में रह सकता हूँ तो सो जराट रिप्लाई करता है अपेरेंटली यू हैवन द इंटेलिजेंट टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री तो जब इंक्लूडर कहता है ना कि बड़े मिस्टीरियस से मैन मुझे लग रहे हो तो जिराट कहता है तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे मिस्टीरियस तरीके से क्यों रहता हूं कि फोन पे बात करो आ रहा हूं जा रहा वाई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री तुमने मुझसे ये क्यों नहीं सोचा कि मैं ऐसी लाइफ क्यों जी रहा हूँ मिस्टीरियस तो हेयर अब जो है हमारा इंट्रूडर उसके माइंड के साथ खेल रहा है जेराड और इंट्रूडर अब परेशान हो जाता है तो वो जो है गन पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है प्रिपेयरिंग टू शूट टू जेराड और कहता है कि मुझे बोर मत करो तो जेराड कहता है डोंट बी फुल इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर शॉट इफ नॉट एज यू अरसेल देन एज विंसेंट चार्ल्स गिराट तो यहाँ पे जराट कहता है डोंट बी फूल मुझे मारने मारने की कोशिश मत करना अगर तुम तो मुझे मारोगे तब भी तुम्हें फांसी लगेगी अगर तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी पे फांसी नहीं लगेगी तो विंसन चार्ल्स के नॉट की आइडेंटिटी से फांसी लग जाएगी तो यहाँ पे जो है बेसिकली गिराट जो है इंट्रूडर को कहता है कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ मेरे पे भी चार्जेस हैं मर्डर के मुझे भी फांसी लगने वाली है तो अगर तुम मुझे मार के मेरी आइडेंटिटी जीने की कोशिश करोगे तो भी तुम पुलिस से नहीं बच सकते तो आप देख रहे हो जिराज कितना स्मार्ट है वो सामने इंट्रूडर को ये दिखा रहा है दैट वो खुद भी एक क्रिमिनल है और अगर वो उसको मार देगा क्रिमिनल तो उसको कोई फायदा so, नहीं उठा वट इज़ दिस अब इंट्रूडर तो कन्फ्यूज में आ गया कि भैया मैं तो इसकी आइडेंटिटी लेने आया था ये मुझे कह रहा है ये खुद ही क्रिमिनल है तो जिराज से दिस इज़ योर बिग सरप्राइज आई सेट यू वुडन किल मी आई वॉज राइट What do you think I'm here today and gone tomorrow? Never sedates people. You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I'm a Sunday school teacher? तो यहाँ पे जो है जरात कहता है ये तुम्हारा सरप्राइज है. तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों आज जाता हूँ अपने घर से और कल वापस आ जाता हूँ और कभी भी बिजनेस मैन से बातें नहीं करता हूँ यू सेम आई हैबिट्स वुड सूट यू यू आर अ क्रूक डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर तो, तो यहाँ पे जराट कहता है हमारे इंट्रूडर को कि तुम खुद कह रहे हो कि मेरी हैबिट्स तुम्हें सूट करेंगी तुम तो एक क्रूक हो और तुम मुझे क्या समझ रहे हो मैं संडे स्कूल टीचर हूँ या संडे स्कूल टीचर से मतलब है कि तुम मुझे एक ऑनेस्ट मैन समझ रहे हो कि मैं एक ऑनेस्ट मैन हूँ और तुम मेरी आइडेंटिटी में खुश रह सकते हो

वो बताता है इंट्रूटर को कि मैंने भी बुलेट से यानी कि गोली से किसी का मर्डर कर दिया था एंड जो है अनफॉर्चुनेटली वो मर्डर के जो कुछ एविडेंस थे वो मेरे किसी कंपेनियन ने पुलिस को दे दिए हैं तो इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके हैं मेरे उस कंपेनियन को वो एविडेंस जला देने चाहिए थे बट उस पागल ने वो पुलिस को दे दिए हैं तो इसलिए आज मैं ट्रबल में हूँ यानी कि आज रात में ट्रबल में हूँ मैंने अभी अभी बैक पैक करा है मैं तो बस भागने वाला था तो यहाँ पर आप सीन देखो जराड ने क्या क्रिएट कर दिया वो इंट्रूडर को यह दिखा रहा है कि वो खुद भी एक क्रिमिनल

देख देखो मेरे बैग में भी फेस बदलने का सामान पड़ा है फॉल्स हैं यू कैन सी योर तो इंट्रूडर कहता है आई डोंट नो तो अब यहां पर जो है इंट्रूडर कंफ्यूज हो गया कि भैया ये क्या सीन है मैं तो इसकी आइडेंटिटी लेने आया था और ये कह रहा है ये खुद मर्डर है और अभी भागने की कोशिश करने वाला है तो नाव जरा से फॉर गॉड से क्लियर द मॉडल हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो कम विद मी इन द कार आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मीन द कार एंड यू एस टेल गॉट योर गन तो अब जिराट कहता है फॉर गॉड सेक भगवान के लिए अपने दिमाग में से कंफ्यूजन हटाओ तुम तो मेरे साथ चलो बाहर मेरी कार है हम दोनों साथ में भाग जाते हैं और अगर तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें फ्रेम कर रहा हूँ यानी कि मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ कार में हूँगा तुम और तुम्हारे हाथ में गन होगी तो तुम मुझे तब मार देना अगर तुम्हें मुझे भरोसा नहीं कर रहे हो तो, तो इंट्रूडर सेस मे बी यू आर राइट तो अब जो है इंट्रूडर जिराट के जाल में फंस गया है तो इंट्रूडर कहता है मे बी यूर राइट तो जिराट जिराट कहते हैं डोन्ट वेस्ट योर टाइम तो जिराट अच्छा ठीक है जल्दी टाइम वेस्ट मत करो अपना और जराड अपनी हाथ उठा लेता है और अपना बैग उठा लेता है इंट्रूडर को ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ में वो उसके साथ भागने वाला है तो इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू तो यहाँ पर इंट्रूडर उसको बॉस कहता है बिकॉज अब वो उसकी बातें मान रहे हैं ना तो वो कहता है केयरफुल बॉस मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो जेराड कहता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड ही विंग अप इफ यू सीज द पुलिस बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव तो यहाँ पे जेराट कहता है कि मेरा एक आदमी है जो मेन रोड पे खड़ा है वो मुझे फोन कर देगा अगर पुलिस आ रही होगी तो जराट और... का फोन बच जाता है तो अब जेराट क्या करता है जराट जल्दी से इन को बोलता है कम ऑन देअर आफ्टर थ्रू हेयर टू द गिराज तो जराट कहता है जल्दी करो जल्दी करो वो हमारे पीछे पुलिस आने वाली है हमें जल्दी से गैरेज से गाड़ी लेके भाग जाना चाहिए तो इंट्रूडर कहता है हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुट तो इंट्रूडर अभी थोड़ा कंफ्यूज भी है कि भरोसा करे जराट पे या नहीं तो कहता है मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कैसे करूँ तो जराट कहता है ओ डोंट बी सो फूल लुक योर अब जो है ये मेन सीन है हमारे प्ले का तो जब, तो जब इंट्रूडर कहता है ना हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुट मैं कैसे मानूँ कि तुम मुझे सच कह रहे हो कि हम गैराज से गाड़ी लेके भाग रहे हैं और पुलिस आ रही है मैं कैसे मान लूँ ये सब तो हमारा जराट कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम खुद देख लो यहाँ पे एंड वो क्या करता है एक दरवाजा खोल देता है यू कैन सी ओपन्स द डोर एंड सेप्स भाई वो एक दरवाजा खोल के खुद साइड में हो जाता है कहता है खुद देख लो तुम हम बाहर भागने वाले हैं अभी इंट्रूडर लींस फॉरवर्ड टू इंस्पेक्टेड विदर्ड जेराट बट विदॉल्वर रेडी तो इंट्रूडर जो है की कोशिश करता है बट अभी भी रेडी रखी हुई है ऐसे टर्नसेड जैसे ही वो दरवाजे में ऐसे झपता है जैसे ही टर्न करते हैं अपने हेड को जराट गिवज पोस्ट इंटू द कब्ड एक्चुअली में वो जो दरवाजा उसने खोला होता है वो क्या था वो एक कबर्ट का दरवाजा था जराट धक्का मार देता है इंट्रूडर को दरवाजे में यानी कि कबड के अंदर कबड के अंदर नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ इज हैंड उसके हाथ से गन छीन लेता है नीचे गिरा देता है ही स्लैम्प दे रिवॉल्वर एंड गोस्टूडे फोन इंटेलिजेंट है आप ये कि धक्का मार देता है एकदम से कबर्ट को लॉक कर देता है और नीचे से गन उठा लेता है, कि गन जो है की वो अपने हाथ में ले लेता है और फोन पर जाता है और जब वो फोन करने भी जाता है टेलीफोन के पास में तो वहां पर भी वो जो है गन पॉइंट पेड़ पे, जो है पे गन रख लेता है जैसे कि अगर बाई चांस इंट्रूटर कब्ड खोल के बाहर आए तो वो उसको शूट कर सके तो यू कैन सी हेयर हाउ इंटेलिजेंट इज जिराड तो इंट्रूडर जो है कबर के अंदर से बोलता है लेट मी आउट ऑफ हेयर लेट मी आउट ऑफ हेयर एंड जराट क्या करता है फोन Hello. करता है यस स्पीकिंग सॉरी आई कंट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल आई हैव हेड अ स्पॉट ऑफ वॉदर क्वाइट अम्यूजिंग तो यहाँ पे जराट फोन उठा के कहता है सॉरी मैं जो है मैं टाइम पे प्रॉब्स नहीं ला पाऊंगा रिहर्सल के लिए क्योंकि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आ गई थी आई हैड अ स्पॉट ऑफ वर्द मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्वाइट अम्यूजिंग यानी कि कुछ फनी सी प्रॉब्लम हो गई थी यू कैन सी हेयर कि जेराट के साथ अभी जो ये हुआ ना कि एक क्रिमिनल उसके घर पर आ गया था उसको वो क्या रेफर कर रहा है कि एक फ़नी सी बॉडर यानी कि कुछ फ़नी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी इसलिए मैं टाइम पे रिहर्सल लिए प्रॉप्स नहीं ला पा रहा हूँ ठीक है आगे कहता है आई थिंक आई पुट अप इन माय नेक्स्ट प्ले और ये जो प्रॉब्लम उसके साथ हुई ना कि ये जो क्रिमिनल आया उसके घर पे इंट्रूडर आया था वो क्या कहता है उसको कि ये जो है ना ये प्रॉब्लम इसको मैं अपने नेक्स्ट प्ले में यूज करूँगा तो यहाँ पे रिवील हो गया है गाइज दैट जो हमारा जराड है ये एक प्ले राइटर है ये कोई क्रिमिनल नहीं है ना ही ये किसी से भाग रहा है वो जो प्रॉप्स थे वो किसी थिएटर के किसी प्ले के रिहर्सल के लिए प्रॉप्स पड़े थे उसके बैग के अंदर और वो जो है एक प्ले राइटर है तो वो कहता है कि ये जो मेरे साथ अभी सिचुएशन हुई है ये काफ़ी फ़नी थी और इसको मैं अपने नेक्स्ट प्ले में यूज़ करूँगा लिसन कैन यू टेल अ फ्रेंड द साजेंट टू कम अप हेयर एट वंस यू विल प्रोबाइबली फाइंड हिम इन द पब्लिक पार्ट और वो जिससे फोन पर बात कर रहे तो थे उसे कहता है प्लीज जो हमारा सार्जेंट फ्रेंड है सार्जेंट मतलब पुलिस फ्रेंड पुलिस वाला तो कहता है कि मेरा जो फ्रेंड है ना वो पुलिस वाला उसको बोल दो कि मेरे घर आ जाए अभी वो तुम्हें पब्लिक बार में मिलेगा एंड विद दिस हमारा चैप्टर एंड हो जाता है तो यहाँ पे आपने देखा कि जिराट कितना इंटेलिजेंट से डील करता है एक इंट्रूडर को एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हर कोई पैनिक कर जाएगा वहाँ पर जिराड अपने विट्स यानी कि अपने दिमाग का यूज़ करता है एंड इंट्रूडर को अपनी गोल गोल बातों में घुमा के कबड्ड में बंद कर देता है तो विद दिस दिस प्ले इज फाइनली कंप्लीटेड दिस हमारा ये प्ले एंड हो गया है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले था यह आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया

हर एक चैप्टर के समरी शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हो ओके सो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या क्लास नाइन इंग्लिश एंड एस के किसी भी चैप्टर के सो यू कैन चेक आउट माई आई डी फ्राम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ने हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे ऑफ आर सेकंड बुक सो विस बबई दे के बस ऑफ लॉ कैन ऑन वी इन द नेक्स्ट